नमस्कार, बोल्ड स्काई पर आपका स्वागत है। आज हम करेंगे हलासन। सबसे पहले किसी साफ सुथरी जगह पर मैट बिछाकर पीठ के बल लेट जाएं। ध्यान रखें कि हथेलियां जमीन की ओर रहेंगी और जांघों के बगल में रहेंगी। इस चीज का भी ख्याल रखें कि पैरों के नीचे कुछ भी दबाना हो। अब पैरों को आपस में मिला लें और धीरे धीरे उठाते हुए 90 डिग्री तक ले आए। जिन लोगों का पेट बाहर है उन्हें 80 डिग्री के बाद मशक्कत करनी पड़ सकती है। बेशक ये देखने में आसान लगता है, मगर शुरुआत में 90 डिग्री तक पैर को टिकाए रखना भी चैलेंज बन जाता है। अब सांस की गति सामान्य रखें और इसी तरह से 3 मिनट तक ठहरने की कोशिश करें। हाथों से ताकत ना लें, कमर और पेट की ताकत का इस्तेमाल करें। ध्यान रहे सांस की गति सामान्य रहेगी, क्योंकि अगर आप बीच बीच में सांस रोकते रहेंगे तो आपके पैर डगमगाने लगेंगे। उसके बाद धीरे धीरे वापस अपनी पूर्व अवस्था में आ जाएं। थोड़ा रुक कर इस आसन को फिर से करना है। यह आसन 3 बार तक लगातार करें। चलिए अब आपको बताते हैं कि हलासन करते वक्त आपको किस तरह की सावधानियां बरतनी चाहिए। अगर आपको दिल से जुड़ी कोई बीमारी है, चक्कर आता है, कमर में दर्द रहता है, गर्दन में दर्द रहता हो, या फिर गर्भावस्था या मासिक धर्म का वक्त हो, तो इस आसन को बिल्कुल भी ना करें। इस आसन को करते वक्त इस चीज़ का भी ख्याल रखें कि पैर को ऊपर पीछे और नीचे लाते वक्त धीरे धीरे क्रिया करनी है और पैरों को झटका बिल्कुल भी नहीं देना है। चलिए अब आपको बताते हैं हलासन से किस तरह के लाभ होते हैं। हलासन आंतों को ताकतवर बनाता है। कब्ज के रोगियों को इसे करने से लाभ मिलता है। ये खाना पचाने की ताकत को बढ़ाता है और मोटापे से लड़ने में मददगार साबित होता है। जिन लोगों को गैस की दिक्कत है वो इस आसन को नियमित करें, इससे आपको आराम मिलेगा। अगर नाभि अपनी जगह से हिल गई हो तो 2-3 दिन इस आसन को करें, इससे नाभि अपनी जगह पर वापस आ जाती है। कमर में दर्द रहता है तो भी इस आसन को बारी बारी एक एक पैर से करना चाहिए, इससे कमर को ताकत मिलती है। इस आसन के नियमित अभ्यास से रीढ़ की हड्डी और भीतर की मसल्स ताकतवर बनती है। अक्सर लोगों को पैरों के झनझनाने की दिक्कत रहती है, तो इस आसन की मदद से पैरों की झनझनाहट बेहद कम हो जाती है। तो आज हमने आपको बताया किस तरह करते हैं हलासन, क्या होते हैं इसके फायदे और क्या होते हैं इसके नुकसान। बहुत जल्द मिलेंगे किसी और नए आसन के साथ। फिलहाल बोल्ड स्काई में बस इतना ही।